अभी 2 अक्टूबर को जो शांति समिति की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत शांति समिति के सदस्यों ने इस बारे में ये थोड़ा आशंका जताया था कि जो पटाखे की दुकान है वहाँ पे आने जाने में तंग गलियों में होने से दिक्कत होती है, और कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे फायर ब्रिगेड के भी पहुँचने में परेशानी होती है। और पटाखा चूँकि ज्वलनशील पदार्थ है और उसकी सुरक्षा को लेकर के मतलब चिंतित होना सभी के लिए एक इसका समाधान करने के लिए सभी लोग चिंतित हैं, तो उस हिसाब से हम लोगों ने आज एक मीटिंग की थी और उसमें ये हम लोगों ने फैसला किया है कि अपने जैसे पटेल स्टेडियम है और एक दूसरा लोकेशन है, वो दूसरे लोकेशंस पे भी हम ये कोशिश करेंगे कि जो पटाखे के दुकान है उनको वहाँ पे जो खुले जगह पे है, ग्रामीण जो अर्बन हार्ट है वहाँ पे भी कुछ खुला स्थान अवेलेबल है, तो वहाँ पे स्टॉल्स लगा करके और उनको संचालित कराने का प्रयास कर रहे हैं। जो बाहर जो दुकानें लगी हुई है उनको लाइसेंस नहीं दिया जाएगा या उनको भी लाइसेंस देने की है? नहीं, हम ये कोशिश करेंगे कि सभी दुकानों को एक स्थान उपलब्ध कराएं और उसकी खुली लॉटरी के द्वारा जो है हम उनको देंगे। नहीं, मतलब जो लाइसेंस मिल रहे हैं वो वहाँ पे नहीं होगी फिर आज नहीं, यहीं लाइसेंस तो मिलेगी उनको पे, लेकिन यहाँ के लिए नहीं पर होगी। स्थान उनको हम यहाँ पर देंगे। जो पुराने साल भर से लाइसेंस चल रहे हैं वो नहीं मिल सभी को सकते? अभी कोशिश ये किया जा रहा है कि एक जगह पे कॉमन जगह पे उनको बैठाया जाए।